अरे करो रे मन चलने की, करो रे मन चलने की तैयारी, क्योंकि ये जीवन एक रेलगाड़ी का सफर है और हम दो पटरियों पर चल रहे हैं, सुख की और दुख की। इन दोनों पटरियों को जब तक मिलाकर चलेंगे ना, ये रेलगाड़ी सीधी चलती जाएगी, कभी घबराना नहीं। एक दो कड़ी का भजन गाऊं, क्योंकि मुझे फरमाश करी गई थी, और अच्छे भजन की कोई फरमाश करता है तो मैं फिर मना नहीं कर पाता। अच्छा भजन है इसलिए मैं गाऊंगा, और ये इसी प्रसंग पर सटीक बैठ रहा है। जीवन रेलगाड़ी क्यों है तो सुनो ये भजन। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भक्त ने यूट्यूब पर देखा होगा, तो कहा गुरुजी प्लीज एक भजन सुना देना, तो मैं सुनाता हूँ, फिर माखन चोरी की लीला आपको श्रवण कराऊंगा। 5:30 तो आनंद से मेरे साथ गाना ये जीवन रेलगाड़ी क्यों है, और पूरा भजन सुनोगे तो पता चलेगी कि वास्तव में ये जीवन रेलगाड़ी की तरह दो पटरियों पे चल रहा है। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी तो दौड़ रहे और कभी थमेगो, कभी जीवन तेजी से चलता है कभी थम जाता है, यानी ये तो समय है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, ऐसे बैठे जैसे कि दावत उठ रही हो और बाबू इंतजार कर रहे हैं। एक आसन होता है दावत इंतजार आसन, कछु खा रहे कछु ललचा रहे, ऐसे नहीं। अरे हाथ खोल कर ताली बजा के पीछे तक मेरे बुजुर्गो आनंद से हरि वो, तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब तक सांसों को जामे तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और सुनो जा रेल के डिब्बा पे कितने डिब्बा जुड़े हैं पीछे, बेटा बेटी पत्नी है, बुआ फूफा फूफी चाचिया, और चल रही है गाड़ी प्यार पे, भाई बहन दूसरा भाव। एक बात बताइयो सच, रेलगाड़ी में जिनने सफर करो है उनको अनुभव होगा, कछु तो अच्छे लोग मिल जाते हैं और कछु इतने बुरे मिलते हैं कि सजनों ऐसा लगता है अगली स्टेशन पे उतर जाए मुंह फुला के बैठेंगे। ऐसे ही हमारे तुम्हारे जीवन में कछु तो अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं और कछु ऐसे मिलते हैं कि रहवा मुश्किल कर देता है। यही सफर है रेलगाड़ी का, क्योंकि और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते दाता के सिग्नल का।
का ये खेल है। यात्री चढ़ते और उतरते, क्यों चढ़ते का मतलब कछु पैदा होते और कछु दुनिया से चले जाते हैं, यही सफर है सज्जनों। और कब जाते हैं और कब आते हैं, जब उसका सिग्नल मिलता है। प्यारे दाता के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल, जीवन को भी आए तो भूल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अंतिम बात आप सब लोगों से पूछूंगा, सच सच बताइयो, रेलगाड़ी में बैठे रहे थे पहले सबसे जरूरी चीज क्या है, कोई बतावे? सबसे जरूरी चीज क्या है? टिकट। क्या है? तो मेरे भाई बहन सुनो गौर से, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पीटी आए तो उसे दिखा देना, कटा लेना, दीदी आए तो उसे दिखा देगा, और नहीं तो बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए राधा रमण भगवान।